गाइस, टीएफ के हेयर और आज हम इस आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे ब्लिंक क्लाउड के साथ। और इस बोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वहां पे आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से इस बोर्ड को ब्लिंक के साथ प्रोग्राम करना है। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आर्डिनो बोर्ड को ब्लिंक आयो के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें पहले तो यहाँ पे blink.io जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो इजीली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ से आप बहुत इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा ब्लिंक कंसोल ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा एक पहले से बना बनाया टेम्पलेट है। सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ब्लिंक क्लाउड को अगर आप पहले भी यूज़ किया है तो यहाँ पे आपको चीज़ें फेमिलियर लग रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ चीज़ें समझा दूंगा। तो यहाँ पे है टेम्पलेट्स और यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है अभी के लिए। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्विक स्टार्ट, तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट से स्टार्ट करना है और लेट्स गो। यहाँ पे अपना हार्डवेयर चूज़ करना है, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ESP8266 और उसके बाद वाईफाई और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे आर्डिनो आईडी सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि हमको अपना जो आर्डिनो आईडी है उसमें हमारा जो ब्लिंक लाइब्रेरी है उसको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा। तो उसके लिए हमें अपना आर्डिनो आईडी ओपन कर लेना है, उसके बाद टूल्स, उसके बाद मैनेज लाइब्रेरीज। सो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे ब्लिंक सर्च करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लाइब्रेरी है इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसको मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे ब्लिंक क्लाउड पे आना है और उसके बाद यहाँ पे करना है नेक्स्ट। और इस पेज पे आपको यहाँ पे अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है और SSID है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मेरे केस में मेरे वाईफाई के साथ कोई भी पासवर्ड नहीं है तो इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद ये कनेक्टिंग दिखा रहा है और हमें यहाँ पे जाना होगा अपना आईडी पे और यहाँ पे हम उस कोड को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी इस कोड को आप अपना जो आर्डिनो है उस पर अपलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस कोड को मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे सिंपली मैं एक LED के लिए कोड मॉडिफाई करूँगा और आप लोग इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई करने के लिए पहले तो हमें जाना होगा वॉइड सेटअप के अंदर और यहाँ पे मैं एक पिन ले लूँगा, पिन मोड। यहाँ पे मैं 12 नंबर पिन को आउटपुट के लिए यूज़ करूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लिंक राइड V0 जो है इसके अंदर इंट वैल्यू के नीचे हमारा जो कोड है उसको लिखना है। इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिजिटल राइट 12 हाई एल्स लो। तो हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अलग अलग पिन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अभी हमारा कोड रेडी हो चुका है अपलोड करने के लिए, बट यहाँ पे काफ़ी सारा कोड है जो कि हम यूज़ नहीं करने वाले, तो उनको हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैं कोड को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कोड है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो बस यहाँ पे इतना तक है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप अलग अलग पिंस को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम इस कोड को अपलोड कर सकते हैं। कोड अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पे डीप स्विच कॉन्फिगर करना होगा। यहाँ पे 5, 6 एंड 7 नंबर जो स्विच है इसको ऑन रखना है और बाकी सारा जो है वो ऑफ रहेगा। सो अभी मैं सिंपली यहाँ पे कोड को कंपाइल करूंगा और उसके बाद अपलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे टूल्स पे जाके यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, ESP8266 जेनेरिक ESP मॉड्यूल, और उसके बाद कोड सिलेक्ट करके इसको सिंपली अपलोड कर देना है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड हो रहा है और अपलोड हो गया है। सो अपलोड होने के बाद आप लोग को पता है कि यहाँ पे डीप स्विच 7 जो है इसको ऑफ करना है और यहाँ पे रीसेट बटन को एक बार टैप करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स बोल के आ रहा है और यहाँ पे पटाखे वटाखे फूट रहा है। सो यहाँ पे जाना होगा गो टू डिवाइस पे और उसके बाद यहाँ पे एक बटन कंट्रोल मिलता है और यहाँ पे दो विजेट्स मिलता है जिनको हमने कोड से रिमूव कर दिया है और अभी इनको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। बट उससे पहले यहाँ पे हम LED को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा ग्राउंड और इसको ESP पिन 12 के साथ कनेक्ट करना होगा। अभी देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है। सो अभी यहाँ पे वेब डैशबोर्ड से हमें ये जो विजेट्स है इनको भी हटा देना होगा क्योंकि इसका जो कोड है उसको हमने पहले ही रिमूव कर दिया है। सो सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाके हम इसको डिलीट कर सकते हैं और इसके जगह पे यहाँ पे दूसरा कोई स्विच ले सकते हैं और उसको भी हम अपने हिसाब से प्रोग्राम करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसको कर देते हैं सेव और अपना प्रोग्राम को एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, काम कर रहा है। और इसको बहुत ही इजीली आप अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, बस आपको प्ले स्टोर से जाके BlinkIoT का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ पे सेम ID पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना ऐप को सेटअप कर सकते हो और इजीली अपने फ़ोन से कोई भी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और भी न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।